एंड वेलकम टू इंडियन ब्यूटी रिव्यूअर. तो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ एक फेस वॉश जो कि मैंने रिसेंटली ख़रीदा है. और वो फेस वॉश है ये, जो कि कील्स ब्रांड का फेस वॉश है. ये एक अमेरिकन स्किन केयर ब्रांड है जो कि काफ़ी लग्जूरियस और जेंटल स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, और काफ़ी फेमस है ये बढ़िया स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. तो मुझे अभी इस वक्त काफ़ी ब्रेकआउट्स और पिगमेंटेशन हो रहा है फेस पर मेरे, बट मेनली मुझे ब्रेकआउट्स के लिए एक फेस वॉश चाहिए था जो कि काफ़ी हद तक जेंटल भी हो और अच्छे से साफ भी करे स्किन को. तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया इंटरनेट पे और मुझे इस फेस वॉश के बारे में पता चला. तो ये है कील्स ब्रांड का कैलेंड्यूला डीप क्लेंजिंग फोमिंग फेस वॉश. तो ये फेस वॉश नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप के लिए है, और इसमें मेनली कैलेंड्यूला फ्लावर एक्सट्रैक्ट है और काफ़ी सारे और फ्लावर के एक्सट्रैक्ट्स हैं. ये सल्फेट और सोप फ्री है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और काफ़ी सारी अच्छी खूबियाँ हैं इसमें. तो मैं आपको पहले इसकी क्वांटिटी और प्राइस बता देती हूँ. ये 230 ml की बॉटल है और इसका प्राइस है 2600 rupees, दैट इज़ 2600 rupees. और ये करीब 3 years तक अच्छा रहता है फेस वॉश. तो ये वाला पर्टिकुलर जून 2017 में मैन्युफैक्चर्ड है, और इसमें लिखा है कि यूज़ इट बिफोर जून 2020, यानी कि 3 साल तक करीब अच्छा चलेगा ये फेस वॉश. अगर हम आउंस में देखें तो ये 7.8 फ्लूइड आउंस है या 230 ml है, और थोड़ा सा महंगा है बिकॉज ये लग्जरी स्किन के ब्रांड में आता है. तो ये 2600 rupees का है, जो कि काफ़ी महंगा है. बट अगर आप बॉटल का साइज़ देखें तो मुझे लगता है आराम से 6 से 7 महीने चल जाएगा. अगर आप थोड़ा अच्छे से देख के यूज़ करें, दिन में 2 बार ही नॉर्मली फेस वॉश यूज़ किया जाता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये इतनी बड़ी बॉटल जो है ये 6 months तक चल जाएगी आराम से. इस फेस वॉश का जो फॉर्मूला है, जो इसके बारे में लिखा है, वो लिखा है कि इट इज़ अ रिच जेल फॉर्मूला विच एक्टिवेट्स विद वाटर टू क्रिएट अ क्रीमी डेंस फोम दैट जेंटली रिमूव्स द इम्प्योरिटीज विदाउट स्ट्रिपिंग स्किन ऑफ इट्स एसेंशियल मॉइस्चर. तो उसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत अच्छा रिच जेल फॉर्मूला है, और ये वाटर के साथ मिलके एक बढ़िया सा फोम बना देता है जो कि स्किन को काफ़ी डीप क्लीन करता है और इम्प्योरिटीज़ हटा देता है, लेकिन ये स्किन को स्ट्रिप नहीं करता है जो स्किन का अपना मॉइस्चर होता है. और ऐसा मैंने देखा भी है, बिल्कुल सही है. मैंने जब इसको यूज़ किया है तो मुझे बिल्कुल ड्राइनेस नहीं हुई है मेरे फेस पे. कुछ हद तक मेरे एक्ने स्कार्स भी मुझे लगा कम हो गए हैं, और थोड़ा सा ब्रेकआउट्स कम हो गए हैं. ये जो पहले से थे, जो कि एक ये है और एक ये है, ये करीब 10 दिन से मेरे स्किन पर हैं और ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं. ये वाला तो काफ़ी लंबा चला है, सिस्टिक एक्ने जैसा था ये, और ये भी काफ़ी लंबे रहे हैं और इनके स्कार्स काफ़ी लाइट हो गए हैं. तो ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला मुझे लगा, और जैसे कि ये सोप फ्री और सल्फेट फ्री है, तो इसने बिल्कुल ड्राई आउट नहीं किया है मेरी स्किन को. इसमें कैलेंड्यूला फ्लावर एक्सट्रैक्ट है और ग्लिसरीन है, तो ये दोनों इसके मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं जो कि सूद करते हैं स्किन को और रिप्लेनिश कर देते हैं विदाउट ओवर ड्राइंग द स्किन. ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं. और जो स्किन है आपकी, इट लुक्स एंड फील्स इंस्टेंटली रिफ्रेश्ड एंड रिवाइटलाइज्ड. तो ये मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा. यूज़ करके भी, पढ़ के भी, इसके रिव्यूज़ भी मैंने काफ़ी पढ़े थे, तो मुझे लगा कि मुझे ये इस बारे में बात करनी चाहिए, इसको रिव्यू करना चाहिए और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहिए. अब इसमें काफ़ी सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं क्लोजअप और पढ़ सकते हैं उन इन्ग्रीडियंट्स को. और इसमें डायरेक्शंस फॉर यूज़ जो दिए हैं कि आप इसको हाथ में लें अपने, और उसको वाटर के साथ थोड़े लेके सर्कुलर मोशंस में अपने फेस पे उसको रब करें और फिर वाटर से रिंस कर दें. तो दिन में 2 बार करीब बताया है, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आइज अवॉइड करना है, जैसा कि ज़्यादातर हर स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ है, एटलीस्ट फेस वॉशेस के साथ है. तो ये है. अब ये जो बॉटल है, ये ग्लास की नहीं है,
ये काफ़ी डीप ब्राउन टैन कलर की बॉटल है, येलोइश सा ऑरेंजिश सा इसमें मतलब टैन कलर का रिफ्लेक्शन आता है, अच्छा कलर है काफ़ी, और प्लास्टिक की बॉटल है। और ये जो पंप है इसमें एक लॉकिंग पंप है, अगर आप इस तरफ इसको घुमा देंगे और प्रेस करेंगे तो ये नहीं दबेगा, तो ये लॉक हो जाता है। उसके बाद जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे और दबाएंगे तो प्रोडक्ट निकलेगा और ये जेल इसमें से निकल के आएगा। तो चलिए, अभी मैं सुबह उठी हूँ, मैंने बस ब्रश किया है, अपना फेस धोया भी नहीं है, हल्का सा वाटर से बहुत काफ़ी सुबह रिंस किया था, अब करीब 2 घंटे हो गए हैं। तो चलिए वो फेस को वॉश करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये फोम करता है। तो मैं अब अपने वॉशरूम में हूँ, मैंने अपना फेस अभी अभी पानी से भिगोया है और ये रहा फेस वॉश जिसको मैं एक पापड़ का निकालूंगी। ये इस तरह का दिखता है, काफ़ी जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी और इसको वाटर के साथ एक्टिवेट करके ये एक फोम की तरह बन जाता है। इसमें पानी मिला के मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ, नेक पर भी, फेस पर भी सर्कुलर मोशंस में, फॉरहेड पर भी, और अब हम इसको रिंस कर देंगे। तो अब मैं अपना फेस पैड ड्राई कर लेती हूँ, एक सॉफ्ट कॉटन टॉवल से पैड ड्राई कर लिया और काफ़ी रिफ्रेश लग रहा है मुझे मेरा फेस, बिल्कुल ऑयल नहीं बचा मेरी स्किन पे, पूरी तरह से सारा का सारा ऑयल निकल गया है, स्किन एक्सेसिवली ड्राई भी नहीं लग रही है, खिंची खिंची भी नहीं लग रही है, अच्छी यू नो अच्छी ब्लश स्किन, मैं वो वर्ड भूल रही हूँ, सपल बहुत अच्छी सपल लग रही है मुझे मेरी स्किन, कोई ड्राइनेस नहीं है, कोई खिंचाव नहीं लग रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस प्रोडक्ट से। और इस प्रोडक्ट की स्मेल के बारे में मैं बताऊँ, ये बहुत ही जेंटल लेमन पील फ्रेग्रेंस जैसा है। मैंने कैलेंड्यूला फ्लावर्स एज सच मुझे याद नहीं मैंने कभी सूंघे होंगे या नहीं, लेकिन मैंने कैलेंड्यूला टी पी है और कैलेंड्यूला टोनर्स वगैरह मैंने पहले लगाए हैं, कैलेंड्यूला टैल्कम पाउडर आता था एक इंडियन मार्केट में, तो इस प्रोडक्ट की स्मेल उसी के जैसी है, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही माइल्ड फ्लावर लाइक स्मेल है और थोड़ी सी मुझे लेमन पील फ्रेग्रेंस जैसी लगी, तो बहुत ही रिफ्रेशिंग है। समर्स के लिए मुझे लगता है ये फेस वॉश बहुत ही बढ़िया है और इनफैक्ट इवन विंटर्स के लिए ये बहुत अच्छा होगा। ओवरऑल मुझे ये बहुत पसंद आया, मैं इसको रेकमेंड करूँगी, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप 2600 रुपीज़ स्पेंड कर सकते हैं एक फेस वॉश पे, मुझे लगता है काफ़ी जस्टिफाइड है, क्योंकि ओवरऑल मैं बहुत खुश हुई हूँ इस फेस वॉश से, हर चीज़ इसकी मुझे अच्छी लगी है। बस हाँ ये है कि ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि ये छोटे साइज़ में आता है कि नहीं, लेकिन अगर आप अपने पर्सनल होम यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको लीजिए, बहुत अच्छा ही प्रोडक्ट लगा मुझे और मैं काफ़ी खुश हूँ इससे। सो आई होप आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया होगा, एक अप क्लोज एंड पर्सनल लुक आपको मिला होगा इस कील्स कैलेंड्यूला डीप क्लेंजिंग फोमिंग फेस वॉश के लिए। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ नीचे लिखिए और मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए सी यू सून एंड बाय बाय।